गणेशोत्सव एक प्रमुख भारतीय त्योहार है जो हर साल गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू होता है। इस पर्व का आयोजन भगवान गणेश की पूजा के साथ होता है, जिन्हें खुशहाली और समृद्धि के देवता मानते हैं। भगवान श्री गणेश का नाम सामने आते ही लोगों के मन में कई कथाएं घूमने लगती हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कथा भगवान श्री गणेश के सिर कटने से जुड़ी है। अक्सर हम सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर भगवान श्री गणेश का सिर क्यों कटा था और उनका सिर हाथी का क्यों है। तो शिव पुराण कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश का जन्म माता पार्वती के शरीर के मैल से माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पिंड बनाकर उसमें आत्मा का प्रवेश करवाया, जिसके बाद वह पिंड सजीव हो उठा और यह पिंड सजीव बालक के रूप में सामने आया। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती स्नान करने के लिए जब गुफा के अंदर जा रही थी तो उन्होंने इस नन्हे बालक को आदेश दिया कि गुफा के अंदर किसी को भी प्रवेश ना दिया जाए। माता पार्वती के गुफा के भीतर जाते ही भगवान शिव वहां पर पहुंचाते हैं। मां की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने भगवान शिव को भी गुफा के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया, जिस पर भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने त्रिशूल से भगवान श्री गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। से कटते ही माता पार्वती की चीख बुखार और विलाप से पूरी सृष्टि कंपायमान हो उठी, हर तरफ त्राही त्राही मच गई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए एक नन्हे हाथी का सिर भगवान गणेश के धड़ से जोड़ दिया था और तभी से भगवान श्री गणेश का सिर हाथी और धड़ बालक का बना है और इसी स्वरूप में हम भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री गणेश का सिर कटने के बाद भगवान शिव ने गणेश जी के सिर को सुरक्षित एक गुफा में रख दिया था, जिसे पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। भगवान श्री गणेश जी की गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। माता पार्वती ने हर्षातिरे से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से निकाल लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया। शिव पुराण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति गणेश जी की अवतरण तिथि बताया गया है, जबकि गणेश पुराण के मत से यह गणेश अवतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 10 दिनों तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। गणेश जी के 9 दिनों बाद 10वें दिन ढोल ताशाओं के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब, महासागर इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है। विसर्जन का उद्देश्य प्रकृति के प्रति सम्मान और सच्ची श्रद्धा को व्यक्त करना है। गणेशोत्सव का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी है। यह पर्व एकता और सामूहिकता को बढ़ावा देता है और समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। आप सभी को NBCN न्यूज की ओर से गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।